एमपीएल क्षेत्र अंतर्गत एमपीएल जो लगातार हमेशा से विस्थापित और प्रबंधन के बीच लगातार किसी न किसी मामले को लेकर विवाद होता ही रहता है, उसी का ताज़ा कड़ी में विगत दो दिनों से चला आ रहा है विस्थापितों और एमपीएल प्रबंधन के बीच विवाद मंगलवार की सुबह काफ़ी हंगामेदार हो गया और झड़प में तब्दील हो गया। मंगलवार की सुबह विस्थापित अपनी समस्याओं को लेकर एमपीएल के मुख्य गेट को जाम कर धरने पर बैठ गए, जिसमें पुरुष के साथ कई महिलाएं भी शामिल थीं। धरने पर बैठे हुए विस्थापित प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची और उन लोगों के साथ वार्ता शुरू हुआ। पर वार्ता शुरू होते ही कहासुनी होते होते झड़प में तब्दील हो गई, जिस पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसमें कुछ विस्थापितों को चोट भी आई और घायल भी हुए। विस्थापितों ने एक स्वर में कहा कि एमपीएल पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर हमारे ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर हमें लाठी डंडों से डराकर हमारी मांगों को दबाना चाहती है। पर विस्थापित हर परिस्थिति में अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते रहेंगे। वहीं मौके पर उपस्थित प्रशासन की तरफ से निरसा वीडियो विकास कुमार राय ने बताया कि आज एमपीएल गेट पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई थी, पर वार्ता करने आए मजिस्ट्रेट के साथ ही कुछ युवकों ने दुर्व्यवहार करते हुए उनके साथ नोकझोंक शुरू कर दी, जिसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। मौके पर पहुंचे निरसा SDPO सहित निरसा थानेदार सुभाष सिंह, एमपीएल ओपी पुलिस सहित पुलिस के कई अधिकारी भी विधि व्यवस्था को बनाए रखने में लगे दिखे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे विस्थापित नेता सह झामुमो के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल ने निरसा SDPO और प्रशासन से उनकी कार्रवाई की निंदा की तथा प्रशासन विस्थापित और एमपीएल प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर जल्द से जल्द विवादों को सुलझाने का आग्रह किया, जिस पर बात अभी चल रही है। आप ऐसे पदाधिकारी, हम लोग का भी बात सुनना है तो ठीक है, मैनेजमेंट का भी बात सुनना है, तो दोनों बात सुन के बाद एक तो रास्ता निकालिए ना, क्या मारपीट में समाधान हो सकता है बता दीजिए। भाई आज 300 लड़का है, अब किसको पीटेगा बताइए, किसको पीटेगा? ना बड़ा नहीं, लेकिन हम लोग कितना आदमी को मारिएगा, इसका रास्ता तो पीछे सर निकालना होगा आपको। ठीक है, किसको ना मारे नहीं है किसी को, थोड़ा बहुत हुआ होगा। यहाँ पिछले दो दिनों से एमपीएल के कुछ मजदूरों के द्वारा रेलवे प्रबंधन के बीच किसी मामलों को लेकर गतिरोध था SS कार्ड को लेकर, और उसके लिए इन लोग कुछ लोगों ने गेट जाम किया था, जिसके लेके यहाँ पर पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी, मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। हाल सुबह में एक मजिस्ट्रेट आए, उनके साथ कुछ प्रसलुकी की गई, और इसी को लेकर हम लोग SDPO साहब सब लोग यहाँ पर हैं। हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग वार्ता कर लीजिए और जो भी वार्ता करके इस मामले को हल निकालिए, ताकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर हो वो सही से बहाल हो और सारी रूप से काम करें। फिलहाल स्थिति क्या है एमपीएल गेट में? क्या अभी तो वार्ता हुई है आपके सामने, आप वहाँ मौजूद थे, तो एमपीएल के जो भी मजदूर लोगों के प्रतिनिधि है वो वार्ता के लिए तैयार हुए हैं, अभी वार्ता होने वाली है। दादा, एमपीएल के प्रबंधन के साथ लगातार विस्थापितों का आंदोलन अरसों से चला आ रहा है, हर कोई देखता है, आज ये झड़प में तब्दील हो गई, प्रशासन ने लाठी डंडों का प्रयोग किया, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटना के बारे में? देखिए, ऐसा बात नहीं है, आप जिस बात को बोल रहे हैं ना, लाठी डंडा का प्रयोग किया है या झड़प हो गया है, ये इतना छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में लगभग 3,000 से 3,500 आदमी काम करते हैं, तो जहाँ 3,000 आदमी काम करेंगे 3 शिफ्ट वाइज में, तो निश्चित ये भी बात सही है, कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ ऐसा परिस्थिति बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है।
अभी भी हम लोग डीएसपी साहब से बात कर रहे थे, वो एक तो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल दे रहे थे यहाँ का कौन फैक्ट्री का दिया SUCL का, वहाँ उसका पोस्टिंग था, बोला ये सब तो जब तक इंडस्ट्री चलेगा वर्कर से बीच में और मजदूर के मैनेजमेंट के बीच में ये सब लगातार चलेगा, वही उसी का एक पहल है। और जहाँ तक बात है ये हमारा लोग या बैठे हुए हैं या धरना दे रहे हैं या कोई मांग रखे हैं, तो इस मांग को मैनेजमेंट को इस बात को सुनना भी चाहिए, रखना भी चाहिए और तत्परता के साथ उसका रास्ता निकालने का काम करना चाहिए। अगर रास्ता कहीं निकलता नहीं है तो निश्चित रूप से जो इसका नेतृत्व करता है उसको बुला के बात करना चाहिए, यहाँ पर बात करना चाहिए या मजदूर के साथ बुला के बैठ के बात करना चाहिए। तो यही तो सच्चाई, अगर ऐसा नहीं होता है तो ना कहीं छोटा मोटा बात हो ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कार छिलेंगे से, देखिए देखिए आप अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं झड़प हुआ किसी के साथ, देखिए ये सामान्य वर्कर है, ये कौन सा गलती किया है, ये अपना गेट पे खड़ा था जिसके कारण हुआ, ये सब होगा होता है। और मेरा विश्वास है कि आज के दिन में प्रोजेक्ट हम सारे विस्थापित के लोग जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं हम लोग खड़ा किए हैं और इसका उचित जो भी काम पड़ा हुआ है बाकी है वो मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। दादा आज के धरना को लेकर क्या कुछ कोई वार्ता हुई या फिर अभी जारी रहेगा, क्या आपको बता रहा हूँ ना, अभी जिला प्रशासन के साथ हम लोग एक राउंड वार्ता किए हैं और जिला प्रशासन ने एक बात कहा जो हम लोग मैनेजमेंट के साथ भी बुला के बात करते हैं, उसके बाद हो सके जिला प्रशासन का आग्रह करेंगे या बात को रखने का काम करेंगे जो हम लोग आके दोनों बोथ लोग को बैठा कर इसका समाधान कैसे हो सकता है उसका टारगेट करेंगे। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067520।